हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपकी ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का होगा। इसमें कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इम्यूटेबल। तो उसमें हमने अलग अलग साइंटिस्ट का जो उनका तरीका था एलिमेंट को एलिमेंट करने का, उसमें हम लोगों ने तीन तरीका पढ़ा था। पहला था डोमेनियन और मेंडेलियन, तीनों के स्टेटमेंट जिस तरीके से उन्होंने एक एलिमेंट को अरेंज किया था और उनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, जिसके आधार पे पहले वाले ने दूसरे का, दूसरे ने तीसरे का, उन्होंने उनको ये ओवरकम करके नया उन्होंने टेबल दिया था। तो जो हमारा पिछला था मॉडर्न से पहले मेंडेलियन, उन्होंने दो तीन चीज के बारे में कन्फर्म नहीं बताया था। जैसे कि पहला कि जो भी आइसोटोप्स होंगे या आइसोबार होंगे उनका पोजीशन कहाँ होगा, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। जो कि हमारा नेक्स्ट पीरियड टेबल है मॉडल, उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन किया गया, कैसे मैं बता रहा हूँ। दूसरा था कि पोजीशन ऑफ क्या कहते हैं कि आपका आइसोटोप कन्फर्म हो गया। दूसरा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ पे होगा, ये मेंशन नहीं था। उसके बाद कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये सब कहाँ पे होगा ये भी नहीं पता था। मतलब उनकी पोजीशन हमें कंफर्म नहीं पता था कहाँ पे होगा। इन तीनों लिमिटेशन जो मेंडेलियन के थे उनको ओवरकम करता है हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल, जिसे मोजले ने दिया था। उन्होंने जितने भी एलिमेंट थे उन सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा या जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एलिमेंट का एलिमेंट होता जाएगा, जो सबसे छोटा है वो पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से क्या होगा वो बढ़ते जाएगा। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर मेंशन करने से ये हो गया कि जो उनका पहला लिमिटेशन था आइसोटोप्स का, वो मेंशन हो जाता है। आइसोटोप्स हम ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कहेंगे जिनका कि एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो, सेम हो, और मास हमारा क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसका मतलब जैसे उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर उन्होंने एलिमेंट करना शुरू किया, इसका मतलब ये होता है कि आपका एटॉमिक मतलब जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपके उसी ग्रुप के उसी पीरियड में क्या होंगे, आपके मेंशन होंगे। और जो आइसोबार था उसमें क्या था कि आपका डिफरेंट मास थे, ठीक है, सॉरी मास आपके क्या थे, सेम थे, और एटॉमिक नंबर क्या था, डिफरेंट था। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने से वो ऑलरेडी क्या हो गया, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीरियड में चला गया, मतलब मान लो डिफरेंट आपका पीरियड में चला गया, ग्रुप में चला गया। तो डिफरेंट ग्रुप में जाने से उसका क्या हो गया कि आइसोबार को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। तो इससे देखिए आपका एटॉमिक नंबर सेम है, मास वाला है, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी आपकी सेम होगी, उसी तरीके से आइसोबार अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उसका ग्रुप भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी के आधार पे जो हमारा दूसरा कांसेप्ट नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, यहाँ पे यही चीज क्लियर होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका सोडियम है, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम है। तो सोडियम जो है उसकी कंफिगरेशन क्या होती है, 2 8 1, और मैग्नीशियम जो होती है उसकी क्या होती है, 2 8 2। अब क्या है देखिए कि आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस वाले में और इस वाले में, मतलब जो आपका आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने से क्या होगा, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी। और अगर इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की जो आपका जिस मतलब ग्रुप में ये होगा, ये दोनों क्या होगा, अलग अलग ग्रुप में होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, ये चीज हम मेंशन कर सकते हैं। इसीलिए मॉडर्न पीरियड टेबल जो है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ही अरेंज किया गया था। क्योंकि अगर आपको पता हो तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट का एलिमेंट किए हो, इसका मतलब आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही एक्सप्लेन किए हो, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
जो भी वहां पर टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो होते हैं वो 18 और 7 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि आपका ये तरीके से सपोज कीजिए कि मैं टॉयलेट का बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से आपका क्या हुआ टॉयलेट बनाना, जहाँ यहाँ पे ग्रुप होता है और बीच में टोटल 10 होते हैं और फिर इवेंट कितना होता है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1-2 और यहाँ पे 13-14-15-16-17 और 18। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना होगा 18 होगा। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना मिल जाए 18। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ पीए, तो ये याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ पीए यहाँ कितना होता है 7 हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ पीए। तो इससे आप ये स्टडी कर सकते हो कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और आपका एटॉमिक नंबर, तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, ठीक है, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इन अ सेल अलोंग पीरियड, कि किसी भी पीरियड के बाद जैसे आपका क्या पीरियड है, या आपका पीरियड है, या आपका पीरियड है, तो किसी पीरियड के दौरान उस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा ये याद होगा आपको। तो मैंने आपको बताया था अपने कोर्स, अगर आपको याद है तो 2m² से हम मेंशन करते हैं किसी भी सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और एक चीज याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियड के बारे में सेल जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका पीरियड, जितना उसमें नंबर ऑफ सेल होगा उतना ही उसका क्या होगा पीरियड होगा। तो किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2m² इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2×1+2। अगर हम एल सेल की बात करें 2×2+2 अगर हम एम की बात करें 2×3+2 इसका मतलब आप देखोगे कि एम में हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सेल में अलोंग पीरियड हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं 18 भर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देखोगे मॉडर्न पीरियड टेबल में कि जो आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ग्रुप 3 में जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये आपका क्या आता है मेटल आता है। ग्रुप 3 में भी देखोगे कि ये भी ग्रुप 3 वाले भी जनरली क्या होते हैं मेटल ही होते हैं। और ग्रुप 14-17 ये जो ग्रुप आपका है वो क्या होता है नॉन मेटल होता है। और मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने वाला जो एलिमेंट होता है इस बीच में होता है डायमंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो सेल होते हैं उसे हम कहते हैं मेटल होता है। तो आप ये हमेशा याद रखोगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा ये क्या होगा मेटल, ग्रुप 14-17 ये क्या होगा नॉन मेटल, और बीच में ग्रुप मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं 31-14 वाले, उसे हम क्या कहते हैं कुछ मेटल्स होते हैं 31-14 में जो कि होता है मेटल वर्ड। और इस बीच में जो एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और नीचे में आप देखोगे इस तरीके से दो होता है, एक होता है लैंथेनाइट और एक होता है एक्टिनाइट, ठीक है, लैंथेनाइट एक्टिनाइट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है एक क्योरी टेबल है। तो अगर जो आपका मेटल है जो ग्रुप 1 होता है, 1 ग्रुप 1 वाले को हम कहते हैं अल्कलिक मेटल,
में सबसे ज्यादा लकी मेटल इसी ग्रुप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टू होता है उसे कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, उसी तरीके से जो ग्रुप 17 होता है उसे हम कहते हैं हैलोजन। ठीक है, फिर जो ग्रुप 18 होता है उसे हम कहते हैं नोबल गैस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, तो उस तरीके से हम उस पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए बनाया गया है, ये टेबल से आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। आप ये भी याद रखना कि जो ये होते मतलब जो आपका 1-2 होता है उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब 1-2 वाले को क्या कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। 13 से 18 पूरा का पूरा ये ब्लॉक को कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बारे में स्टडी करोगे अगले क्लासेस में, लेकिन अभी बस इतना आप ध्यान रखो। और जो बीच में जो होता है 10-2 ग्रुप उसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे में जो होता है ग्रुप उसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और सबसे खास बात इस पीरियोडिक टेबल की ये है कि इसमें आप देखोगे कि केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर सारे के सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं। जैसे कि अगर आप ऊपर वाले एलिमेंट समझो, यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे एलिमेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं से बताओ कि सिटी कौन है केसी कौन है, तो सिंपली आपको पता है कि ये वाला इधर वाला ग्रुप क्या है मेटल है, इधर वाला ग्रुप क्या है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक और मेटल फॉर्म बेसिक। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप पीरियोडिक टेबल से लेना चाहो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, हम इस पीरियोडिक टेबल से उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं। उसी तरीके से जो आपका पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो मेंशन किया गया आपको कहां सबसे फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड पे, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और ये इलेक्ट्रॉन आपको जितने भी इस ग्रुप के मेटल हैं वो सबके पास में आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और उसे यूज करना आसान होता है। इसी कारण से एच प्लस इज कंसीडर्ड इन ग्रुप 1 एंड रिएक्ट 1। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे आप देखोगे कि मॉलिक्यूल का मतलब उस एलिमेंट का कैसे उसकी पीरियोडिक फंक्शन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उसकी कैसे वैरी करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे भी सब कुछ कीजिए कि जो आपका अब देखिए जैसे कि ग्रुप 1 है इसमें जो आपके आउटर मोस्ट मतलब जो आपका बैलेंस सेल होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 होंगे। उसी तरीके से जो आपका ग्रुप 2 होगा उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। उसी तरीके से 13 है इसमें कितना होगा 3, इसमें कितना होगा 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो आप देखोगे अगर मैं इस डी ब्लॉक को छोड़ दूं तो आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 8 तक बढ़ते जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हमारा ग्रुप में वैरी करता है, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब जैसे जब पीरियड में आगे तक बढ़ते जाते हो आपका कैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉन्ग टर्म पीरियड हमारा क्या होता है बढ़ते जाता है। तो उस तरीके से एक क्वेश्चन ये रहता है कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2, 8, 7 दिया हुआ है तो बताना है कि इसका आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा और एम एफ टी ए आर। ठीक है, इसकी है 7, इसका है 9, इसका है 15 और इसका है 18। आपको बताना है कि इन चारों एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 2, 8, 7। तो सबसे पहले आप बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7 हो गया, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो मैंने अभी बताया एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द एटॉमिक नंबर। तो यहां पे इसको आप सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 17। तो 17 आने से इसका क्या हो गया कि आपका क्या कहते हैं कि 17 आ गया, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 17 होगा। अगर कोई यहां भी कह रहा है कि केमिकली
इस चारों में से वो किसके साथ सिमिलर होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसकी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसकी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो केमिकल सिमिलर होगा। इसका हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 2.7, इसका हो जाएगा 2.85, इसका हो जाएगा 2.88। तो देखिए 7 कहाँ है, यहाँ है ना, तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, केमिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम नेक्स्ट क्लास में और हम फर्दर स्टडी करेंगे और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट आपको जितना मैंने